केजरीवाल जो एक समय में आंदोलन की एक आवाज बना हुआ था, हर बात पे हम ये देखते थे कि सरकार विरोध का स्वर बना था, अनशन पे बैठता था, प्रोटेस्ट करता था, आज सत्ता के लालच में इसने पूरी तरीके से तमाम अपने जो आदर्श है, अपने विचारों को तिलांजलि दे दी। ये इस तरीके की जो चीज़ें आ रही हैं, पूरे जब जहाँ जहाँ चुनाव आ रहे हैं, जहाँ जहाँ भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, सरकारें इस तरीके के माहौल को तैयार कर रही है, इस तरीके के एजेंडाओं को सामने ला रही है। हमने दिल्ली में भी देखा, जब चुनाव हुए थे तब शाहीन बाग एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तब हमने देखा कि जिस तरीके से लोग जो इतने लंबे समय से आंदोलन चला रहे थे, वो एक कहीं ना कहीं उसको सामने रखते हुए बीजेपी ने पूरा जो एक माहौल तैयार किया था, जो एक हेट्रेड का माहौल तैयार किया था, और लोगों को असल मुद्दों से भटकाते हुए जात पात और धर्म के नाम पे, देशद्रोह के नाम पे ये चीज़ें हुई थी। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, जब जब देश में लोकसभा के चुनाव हुए उस समय भी बहुत हद तक हमने देखा कि बालाकोट के हमले हो रहे हैं, इस तरीके से देश की सीमाओं पे गतिविधियां तेज होने लगती है। तो ये बहुत पुराना और बहुत मतलब जांचा परखा हुआ सरकार का एक हथकंडा है कि असल मुद्दों पे कभी भी राजनीति ना हो, जहाँ पे भी चुनाव हो इस आधार पे हो कि कहीं ना कहीं अगर धर्म को आड़े रख के हम लोग राजनीति कर सकते हैं, कहीं देशद्रोह का मामला रख के, कहीं राष्ट्र की सुरक्षा को लेके। और उसी तर्ज पे अभी भी हम देख रहे हैं कन्हैया कुमार पे भी जिस तरीके से जांच के आदेश शुरू हो गए हैं, इतने सालों बाद जब देश में सत्ता में असीन CBI पुलिस पूरी मोदी सरकार के अधीन ये काम कर रही है, इतने समय तक भी आज इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी फिर चुनाव आते ही दोबारा से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। पूरा आज समझ पा रहा है इंसान कि ये सरकार लगातार आम लोगों को असल मुद्दों से भटका रही है और इस तरीके की चीज़ों को बार बार सामने रखा जा रहा है। सर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम वजह क्या है? हमारे जो लोग दंगा कर रहे थे, कहा जा रहा है कि वो बाहर से थे, दिल्ली से थे, क्या सही है क्या? देखिए, हाँ, ये बिल्कुल इसमें बहुत दूर तक सच्चाई हमको भी मालूम चली है, अभी तो एक जांच का प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जितनी दूर तक हमको ये खबर मिली, हम भी कई जगहों पे घायलों से मिलने गए, जब लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, अपनी दर्द को बयां कर रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये आपके पड़ोस के लोग हैं क्या जो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम यहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं, यहाँ में हमें 15 साल हो गए, हमारे बच्चे यहाँ बड़े हुए, यहाँ हम सबको जानते हैं कि कौन हमारे पड़ोस का है, कौन बाहर से आया है, लेकिन यहाँ जो हमले हुए गए, यहाँ पे हम किसी को नहीं जानते, ये तमाम जो भीड़ थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो बाहर से आए थे, इस तरीके से ये पूरा एक हमला किया गया, एक प्रायोजित तरीके से सरकार इस तरीके से इस चीज़ को लागू किया, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि सरकार इस हिंसा को बढ़ाना देना चाहती है, इस तरीके के सांप्रदायिक तनाव को बिगाड़ना और बढ़ावा देना चाह रही है, और देश में जो एक सौहार्द का माहौल है, जो देश में एक एक समन्वय का माहौल है, जिस तरीके से देश में धर्मनिरपेक्षता का माहौल है, उस ताने बाने को आज वो तोड़ना चाहती है। लेकिन इसके बावजूद भी एक मिसाल हम लोगों ने दिल्ली में देखा कि इतने सांप्रदायिक जहर के बीच में भी लोग एक दूसरे की सहायता के लिए जिस तरीके से आए, जिस तरीके से एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के को बचाने के लिए लोगों ने सामने आए, हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए आ रहे हैं, मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को संरक्षण दे रहे हैं, ये एक बहुत ऊंचा मिसाल आज लोगों ने कायम किया। हमें चाहिए कि इस तरीके से मिसाल और भी बने, लोग एक दूसरे के साथी रहे, एक दूसरे के हर सुख दुख में बने रहे, और ये हमेशा से रहा है देश में, हर समय आम जनता, एक जो मेहनत कश जनता है, वो एक दूसरे को साथ में लेके चलती है, कोई भी धर्म आपस में एक दूसरे को लड़ना नहीं सिखाता। ये आज जो एक माहौल बना रहे हैं, ये चंद विकृत मानसिकता के लोगों का एक उपज है, जो ये चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का सुहाग बना रहे लोग, इस तरीके से एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ मिलके रहे, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के साथ मिलके आज एक साथ मिलके रहेंगे, तब ये जो असली दुश्मन है देश के, इनका जो असली मकसद है वो पूरी तरीके से उजागर हो जाएगा, और वो ये नहीं चाहते, इसीलिए इस तरीके से लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। केजरीवाल भी सर भाषा बोलने लगा है चुनाव से पहले, कुछ बिल्कुल ये पूरी तरीके से सुविधावादी राजनीति, अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। यही केजरीवाल जो एक समय में आंदोलन की एक आवाज बना हुआ था, हर बात पे हम ये देखते थे कि सरकार विरोध का स्वर बना था, अनशन पे बैठता था, प्रोटेस्ट करता था, आज सत्ता के लालच में इसने पूरी तरीके से तमाम अपने जो आदर्श है, अपने विचारों को तिलांजलि दे दी। हर तरीके से जहां पे जो मौका मिल रहा है, जिस तरीके से वोट बटोरे जा सकते हैं, जिस तरीके से लोगों को छल किया जा सकता है, जिस तरीके से अपनी एक छवि की बरकरार रखते हुए लोगों के साथ जितनी दूर तक अपने बयान को सीमित किया जा सकता है, उस तरीके से जांचे परखे तरीके से बहुत सुनियोजित तरीके से सरकार कदम उठा रही है। केजरीवाल भी इसका एक पूरा जीता जागता उदाहरण है, आज पूरी तरीके से आंदोलन का रास्ता छोड़ चुका है, हर तरीके से आज केंद्र सरकार को आड़े बीच में रख के वो अपना मूलभूत जिम्मेदारियों से भी पल्ला झाड़ रही है। अगर वो कुछ नहीं कर सकती है, तो हम ये कहते हैं केजरीवाल साहब, आप देश के, आप दिल्ली के एक चीफ मिनिस्टर,
है, आपके ऊपर दिल्ली की जनता का एक जिम्मेदारी है, आपको उस नाते कम से कम लोगों के हक के खिलाफ, हक के मांग पे कम से कम सड़क पे आने की जरूरत है, लोगों से मिलने की जरूरत है, उनको हिम्मत देने की जरूरत है। ये जो आज आप कर रहे हैं सरासर उनके पीठ पे छुरा घूमने वाली बात है जो कि आज साफ तौर पर निकल के आया है। इतने गंदे तरीके से लेकिन उस पर कोई मामला वही ताहिर हुसैन पर मामला दर्ज किस प्रकार देख पा रहे हैं? ये पूरी तरीके से राजनीतिक जो पूरा खेल है, जिस तरीके से इसको एक धर्म को एक पार्टी विशेष के ऊपर पूरा इल्जाम देने की बात है। आप देखिए ये जो कपिल मिश्रा है और जो प्रवेश वर्मा है, इन लोगों के ऊपर जो हाईकोर्ट के जज जिन्होंने ये बोला है कि इनके ऊपर तुरंत FIR की जानी चाहिए, आज सरकार क्या करती है, उनको रातों रात उनका तबादला कर दिया जाता है, उनको पंजाब में रूपा ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये इससे साफ समझ में आता है और कुछ भी नहीं बचा है कि सरकार इनको संरक्षण दे रही है। आज इतना जो वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इतना जो जहर उगल रहे हैं, इस तरीके से जो दंगे भड़का रहे हैं, ये इसीलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि पूरी तरीके से सरकार इनके पीछे है, प्रशासन उनके पीछे है और इनके ऊपर एक बाल भी इनका पाका नहीं होगा, इनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, इसीलिए इस तरीके की वो बयानबाजी कर पा रहे हैं, इसी तरीके से वो कर पा रहे हैं। ये पूरा मॉडल आप देखिए, गुजरात में भी जिस तरीके से मोदी के शासनकाल में भी मोदी ने भी इस तरीके से लगातार दंगाइयों को पूरा छूट दिया, पूरी तरीके से हिंसा भड़काया और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में आई और उसी आधार पे वो एक के बाद एक इस दंगे भड़काते हुए आज देश के प्रधानमंत्री बने। आज ये एक मतलब एक हम कह सकते हैं कि ये सीढ़ी बन चुका है। अगर आपको आगे बढ़ना है राजनीतिक आधार पे तो आपको इस तरीके से दंगे आपको उकसाने पड़ेंगे, आपको लोगों का आपका सौहार्द को बर्बाद करने की जरूरत है, आपको लोगों के बीच में जहर घोलते हुए अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो ये राजनीति में आगे बढ़ने के लिए आज इनके लिए एक जरूरी कदम बन चुका है। क्या ऐसी चीजों की शुरुआत हो चुकी है कि आप देश को गाली दीजिए, आप दंगा भड़काइए, आप नेता बन जाइए? बिल्कुल, ये चीजें आज हो चुकी हैं। आज देश में जिस तरीके से हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आज ये अचानक तो नहीं हुआ, ये रातों रात हो गया, ये इस तरीके से जो माहौल तैयार हो गया एक दिन की बात नहीं है। तमाम सरकारों ने इस नींव पे ऊपर मजबूत किया है, इस सांप्रदायिकता की नींव को आज बीजेपी इस तरीके से जो आज भड़का रही है, ये सिर्फ आज उनकी देन नहीं है। तमाम जो फांसीवादी चरित्र की जो पार्टियां हैं, जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो लंबे समय से इस तरीके की जो नींव को तैयार करती आ रही है धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, उसी को आज ये और भी व्यापक रूप में हम बीजेपी के तहत ये बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस के शासनकाल में भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से 1984 के जो दंगे हुए, आज फिर से दिल्ली जल रही है और आज जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, ये साफ तौर पर उजागर हो गया है कि आज अगर हमें आज इस तरीके की राजनीतिक दलों को ये अगर आगे अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, ये सत्ता को अपने जगह बनाना चाहते हैं, तो उनका सहारा बनना पड़ेगा, उसको इस तरीके से ही लोगों को बांटते हुए राजनीति को आगे ले जाना पड़ेगा, ये आज इन्होंने करके दिखाया। कल भी कानून मंत्री का बयान आया, उन्होंने अमित शाह की बोली बोली, उन्होंने कहा कि एक इंच पीछे नहीं हटेंगे चाहे दिल्ली में जो भी होना हो, एक इंच नहीं पीछे हटेंगे NRP। बिल्कुल, ये बहुत ही इनका एक जिसे हम कहते हैं कि धूर्तापूर्ण और बहुत ही मतलब एक कठोर रवैया रहा है, लेकिन यहाँ की जनता ने भी बता दिया है, देश भर की जनता आज बता चुकी है कि वो भी एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ जहाँ भी आंदोलन चल रहे हैं आज, केवल दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में, जो आज शाहीन बाग से शुरू हुआ पूरे देश भर में लोग एकजुट हो रहे हैं इस काले कानून के खिलाफ, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, देश की आम जनता लगातार प्रयास कर रही है इनके तमाम हथकंडों को उजागर करते हुए, देश के हर समुदाय को जोड़ते हुए इसके पूरे सच्चाई को लोगों के सामने रख सकें और एक आंदोलन की और व्यापकता को बना सकें और इस लड़ाई को हम भी आखिरी तक लड़ेंगे जब तक इस काले कानून को हम वापस नहीं ले सकते। विकल्प क्या है सर, शाहीन बाग और जामिया को खत्म करके ही चल रही है? पूरी तरीके से आज सरकार डरी हुई है, आज सरकार देख रही है उनके जो रिसोर्सेज हैं, जिनके जो उनके जो सशक्त माध्यम है उनसे ये पता चल रहा है, उनको ये पता चल रहा है कि लोग किस तरीके से इन मुद्दों को लेकर आंदोलन के रास्ते पर आ रहे हैं हर जगह पर, वो जितना कोशिश कर रहे हैं लोगों को बांटने का, लोगों को बदनाम करने का, शाहीन बाग को तोड़ने का, हर तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, वो आज विफल हो रहे हैं, इसीलिए वो उनके आँख में एक तरीके से ये चुभता हुआ एक कांटा जैसा बन रहा है कि इसको कैसे करके ख़त्म किया जाए, इसीलिए वो पूरा जोर आजमाइश कर रही है लोगों के ऊपर हर तरीके से, प्रशासनिक तरीके से, पुलिस की तरीके से, मीडिया के तरीके से कि उसको कैसे बदनाम किया जाए। लेकिन एक बात हमें समझना होगा, एक जनवादी आंदोलन एक सही दिशा में अगर आगे बढ़े, एक सही आधार पर अगर आगे बढ़े, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी आज ऐसा प्रोपोगंडा नहीं है जिसको कि वो बदनाम कर सके और इस ऐसे आंदोलनों को तोड़ सके। हमारा कोशिश है कि हम इस आंदोलनों को एक सही दिशा दें, सही एक आदर्श के साथ जोड़ें, सही विचारों के साथ जोड़ें और इसको और व्यापक बनाते हुए देश भर में इस आंदोलन को और
फैलाएं, ये हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल ने ऐसी क्या बात की कन्हैया कुमार ने, ताकि केजरीवाल ने कन्हैया कुमार को टारगेट किया? देखिए, कहीं ना कहीं केजरीवाल की राजनीति में भी हम लोग जैसे हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो जो वो कह रहे थे, जिस तरीके का एक उनका जो एक हमेशा से रहा है कि भाई हम अन्याय, हम लोगों को सुविधा देने की बात करते हैं, हम लोगों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज जो हालात बन रहे हैं, आज जिस तरीके के माहौल देश में है, उसके ऊपर जो सरकार की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं है। आज लोग देख रहे हैं कि कौन किसके साथ काम कर रहा है, किन ताकतों को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे समय में केजरीवाल पूरी तरीके से उजागर हो गया है कि वो भी कोई अलग नहीं है, यही पूंजीपतियों द्वारा पोषित पाषित एक पार्टी है। आज कोई ज्यादा उग्र तरीके से कर रहा है, कोई उसको दूसरे तरीके से कर रहा है, लेकिन चारित्रिक रूप में अगर हम देखें तो इन पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। और ये साफ तौर पर केजरीवाल सरकार के इस बयान से भी उजागर हो रहा है, जिस तरीके के वो एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, ये और पूरी तरीके से इसको बेनकाब करता है।